नमस्कार दोस्तों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का आज कंपैरिजन देखेंगे तो प्रेसिडेंट में सारे पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स ठीक है सिर्फ इलेक्टेड और सारे स्टेट लेजिस्लेटिव ले असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्टोरल प्रोसेस में उनका इलेक्टोरल कॉलेज ये दोनों होता है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका इलेक्टोरल कॉलेज ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली के नहीं होते हैं जरूरत भी क्या है रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट का आपको पता है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस सबसे पहले किसी भी हाउस में रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है रेजोल्यूशन के लिए वन फोर्थ में साइन करने चाहिए उस रेजोल्यूशन पे फिर टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबर्स की फिर दूसरे हाउस में जाता है वहां पे इन्वेस्टिगेट होता है वहां पे भी टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो ये इम्पीचमेंट बिल्कुल नहीं है हमेशा जो रिमूवल प्रोसेस है वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा राज्यसभा में ये ऐसा कोई कोई नहीं चाहिए कि वन फोर्थ मेंबर साइन होना चाहिए ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि टू थर्ड ऑफ टोटल मेजोरिटी ना सिर्फ फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए फिर ये लोकसभा में जाता कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता सर ठीक है और यहाँ पे भी हाफ ऑफ टोटल मेजोरिटी चाहिए इम्पोर्टेंट कॉमन पॉइंट दोनों में ये है कि 14 डेज का प्रायर नोटिफिकेशन दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को देना होगा अगर आप रिमूव कर रहे हो तो ठीक है अच्छा प्रेसिडेंट का ग्राउंड लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज़ मेंजलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑलदो डिफाइन नहीं किया गया है वाइस प्रेसिडेंट का को कोई ग्राउंड नहीं लिखा गया है दैट्स ऑल अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा दैट्स ऑल थैंक यू लास्टली